कर लेते हैं ऑपरेशन लंगड़ा की। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था हो या फिर भ्रष्टाचार, इसे लेकर सख्त नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश से हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा हो या फिर अपराध को बढ़ावा दे रहा हो तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। एक बार फिर से यही तस्वीर देखने को मिली है मेरठ और मुजफ्फरनगर में, जहां पर अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किडनैपर का एनकाउंटर हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन एक नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था, उसके बाद लगातार पुलिस किडनैपर की तलाश कर रही थी, उसके बाद किडनैपर को पकड़ लिया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ है। पूरी जानकारी आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। ये दो तस्वीरें यूपी में अपराध और अपराधियों के अंजाम को बताने के लिए काफी हैं। सीएम योगी ने क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो शपथ ली थी वो पुलिस के एक्शन में साफ दिखती है। सीएम योगी की पुलिस को खुली छूट और बेहतर तकनीक का नतीजा है कि बेहद संगीन से संगीन अपराध को पुलिस न सिर्फ समय रहते सुलझा रही है बल्कि पीड़ित को न्याय भी दे रही है। इसकी बानगी मेरठ में देखने को मिली, जहां एक जूनियर इंजीनियर की बेटी को अगवा कर लिया जाता है। पुलिस कार्रवाई कर अपहरण करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। सोमवार को मेरठ के शास्त्री नगर इलाके से वारदात की घटना सामने आई। एक 6 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। स्कूल से घर लौटते वक्त ये अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों से 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। परिवार ने पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामले में इलाके में तलाशी अभियान चलाया। कुछ घंटों के बाद ही बदमाश बच्ची को उसके घर के बाहर वापस छोड़ गए, लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में लगातार जुटी थी। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पता लगाया कि बच्ची के अपहरण की घटना को और किसी ने नहीं बल्कि उसके पिता जेई महबूब हक के ड्राइवर आकाश ने अंजाम दिया। पुलिस ने देर रात आकाश और उसके सहयोगी राजू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं छापेमारी के दौरान एक और बदमाश जो आकाश का रिश्तेदार है, पुलिस ने उसे भी अपने शिकंजे में ले लिया। इनका जो ड्राइवर था, पूर्व में ड्राइवर था आकाश, उसकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध नजर आ रही थी, जिसको पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। तो सूचना मिली कि ये ड्राइवर जो आकाश है और दो और बदमाश ये नौचंदी ग्राउंड के पास देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पूरे नौचंदी ग्राउंड की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें दो बदमाश घायल हुए हैं। इसके बाद एक लड़का अजय, जिसको कॉम्बिंग के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूपी पुलिस के एक्शन की दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर फजल के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। दोनों बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट में लूट और चोरी के 6 केस दर्ज हैं। पुलिस ने कब्जे से गाड़ी और 2 तमंचे, कारतूस और 20 चीनी कट्टे बरामद किए हैं। सावे के उत्तर प्रदेश को ऐसे ही उत्तम प्रदेश नहीं कहा जाता है। योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपने राज्य की जनता की सुरक्षा को लेकर जो प्रण है, उसे सफल बनाने में यूपी पुलिस भी जी जान से जुटी है और अपराधियों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे भेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको अगली खबर बताएंगे, भ्रष्टाचार पर योगी का वार। तो खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी, उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। तो करप्शन पर चोट और वहीं सैलरी पर रोक, आपको बताएंगे किस कदर भ्रष्टाचार पर योगी का वार जो है लगातार देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार मतलब जीरो टॉलरेंस नीति, ना अपराध ना क्राइम ना भ्रष्टाचार, ये उत्तर प्रदेश में इन सब की कोई जगह नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कैसे कार्रवाई की जा रही है, कैसे नजर बनी हुई है भ्रष्टाचार पर। स्ट्राइक देखिए, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर
कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने 2,44,00,000 कर्मचारियों का एकदम वेतन रोक दिया है। 31 अगस्त तक का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। सिर्फ 6.02 लाख कर्मचारियों ने ही ब्यौरा दिया था। वहीं आपको बता दें 71% कर्मचारियों ने जानकारी ऑनलाइन दी थी, ये माध्यम उन्होंने अपनाया था। लेकिन इसके अलावा जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर को विस्तार से बताएंगे हमारी सहयोगी अनामिका पांडे। तो योगी ने क्या कार्रवाई की है प्रियंका आपको बता रही है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कदम उठा रहे हैं। और इस कदम के बीच उन्होंने पहले चेतावनी दी कर्मचारियों को कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर डालें। लेकिन जब इस पर अधिकारियों की ओर से, सरकारी कर्मचारियों की ओर से लापरवाही सामने आई तो अगस्त के महीने की सैलरी ही रोक दी गई है। अब इसके बाद धीरे धीरे तमाम ब्यौरे सामने आ रहे हैं और 2,00,000 से ज्यादा कर्मचारियों की जानकारी अब उस पोर्टल पर होगी, वेबसाइट पर होगी, जिसको जनता भी एक्सेस कर सकेगी और साथ ही सरकार को भी इसकी सीधी जानकारी होगी। भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए वो आज लेकर के आना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का प्रहार, आदेश नहीं मानने वालों पर सैलरी की लटकी तलवार, देना होगा संपत्ति का ब्यौरा फिर होगा हिसाब पूरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी सख्त हैं, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहले ही कह चुके हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी संपत्ति भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार करके बनाई होगी उस पर स्ट्राइक होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरकार का आदेश नहीं मानने वाले कर्मचारियों पर ऐसा एक्शन हुआ कि हड़कंप मच गया। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की सैलरी ही रोक दी और साफ कर दिया कि जो भी भ्रष्टाचार को साफ करने की मुहिम में रोड़ा बनेगा उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। मतलब साफ है, सीएम योगी ने जो कहा वो कर भी दिया। खानदान ने, 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। और उसी दृष्टि से एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक यूपी में सरकारी कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सौंपना था। लेकिन 8,46,000 कर्मचारियों में से सिर्फ 6,02,000 कर्मचारियों ने ही अपना ब्यौरा सौंपा। मतलब यूपी सरकार के 2,44,000 कर्मचारियों ने 31 अगस्त की डेडलाइन तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपा। जिसके बाद एक्शन लेते हुए योगी सरकार ने इन सभी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के केवल 71% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी दी है। यूपी सरकार